हेलो गाइस, वेलकम टू बीएसएस सॉल्यूशंस। मैं दीपक गोयल फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर पे जो हमारा बीएससीएस में नंबर होता है हेल्प डेस्क का, तो उसमें मीटर कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियोज में गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डलती है, ऑनलाइन हम कैसे अपनी न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है गाइस, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप बिल्कुल एंड तक देखिए ये मेरी वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सर, और कमेंट भी जरूर करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आइए गाइस, चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। न्यू मीटर का हमें पता करना है न्यू मीटर कैसे लगाया जाता है। आज हम पता करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो गाइस, ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे डालते हैं आज हम इस चीज के बारे में पता करेंगे। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा गाइस। ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें वहां पे होता है डीजी सेवा केंद्र। डीजी सेवा केंद्र ऑनलाइन वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे, ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट कौन सी है गाइस, वेबसाइट है हमारी www.bscsdelhi.com। गाइस, bscsdelhi.com में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे दो ऑप्शन दिखाता है आपको, BSCS यमुना पावर लिमिटेड जिसको कहते हैं BYPL, BSCS यमुना पावर लिमिटेड, और एक दिखाता है BRPL। BRPL होती है सर गाइस BSCS राजधानी पावर लिमिटेड। ठीक है, किसी भी ब्लॉक पे आप जाएंगे तो ये जो BRPL है ये अदर साइट के लिए है, साउथ के लिए है। BYPL यमुना पार वाले लोगों के लिए है गाइस, इस चीज का ध्यान रखेगा। BYPL में यमुना पार वाले लोगों के लिए और BRPL दूसरी साइड के लोगों के लिए, ठीक है ना। BYPL जो हमारी BYPL एक अलग, इन्होंने क्या कर रखा है, दिल्ली में दो हिस्सों में बांट रखी है, BYPL यमुना पार और BRPL राजधानी। ठीक है गाइस, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपने चैप्टर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि BYPL और BRPL में कौन कौन से एरिया आते हैं। ठीक है, दोनों में वैसे प्रोसेस सेम ही है लगभग, जो ऑनलाइन का है जहां तक का मैंने देखा है दोनों में प्रोसेस सेम ही है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे गाइस कमेंट करिएगा। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक पॉपअप खुल जाता है। पॉपअप में जो हमारे पास में साइट खुलती है उसमें हम जाएंगे डीजी सेवा केंद्र। डीजी सेवा केंद्र में जाने पे फिर वो हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा गाइस, मोबाइल नंबर हम वहां पे उसको देंगे अपना। मोबाइल नंबर जो भी हमारा होगा, जैसे भाई मेरा मोबाइल नंबर है 81301-81904। ठीक है गाइस, तो मैंने अपना उसको मोबाइल नंबर दे दिया, वो मेरे पे मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करेगा। मैं देन उसको OTP वो जैसे ही गिवन करूंगा मोबाइल नंबर के बाद, OTP जैसे ही मेरा गाइस हो जाएगा फिर मेरे पास में एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें मैं अपने अनुसार अपने मीटर को अप्लाई कर सकता हूं। जैसे कंडीशन नंबर एक, 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का एक मीटर होता है गाइस, 10 किलोवाट से ऊपर होता है 50 किलोवाट तक का, 50 किलोवाट से फिर ऊपर होता है 100 किलोवाट तक। अब वो गाइस आप देखिएगा आपको कितने किलोवाट के मीटर की जरूरत है। फिलहाल हम इस चैप्टर में बात करेंगे 1 से लेके 10 किलोवाट के मीटर के लिए। तो गाइस उसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा अप टू 10 किलोवाट। हमें गाइस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, OTP देने के बाद में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अप टू 10 किलोवाट। अप टू 10 किलोवाट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में अपनी पर्सनल डिटेल्स हमें जो फिलअप करनी होती है वो फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स
पर्सन अपनी डिटेल्स देंगे हम उसको। पर्सनल डिटेल्स देने के बाद में हमारा नाम, हमारा एड्रेस। गाइस इसमें फिर से मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछली हमने अपनी वीडियो में भी बताया मैंने कि जो आप इसमें एड्रेस देंगे, जो आप इनमें एड्रेस देंगे, एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए गाइस, एड्रेस के लिए जो आपकी रजिस्ट्री में एड्रेस होगा गाइस वही दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी सारी दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। मगर जो आपकी रजिस्ट्री में एड्रेस है आप वही दीजिए, ठीक है। अगर रजिस्ट्री में ए लिखा है तो आप ए बताएंगे, बी लिखा है तो बी बताएंगे, सी लिखा है तो सी बताएंगे, और कुछ नहीं लिखा तो उसको जो आपके रजिस्ट्री में एड्रेस लिखा है, जैसे खसरा नंबर ही लिखा है तो खसरा नंबर ही बताएंगे। अगर भाई मेरे पास में रजिस्ट्री पुरानी है, जीपीए है, रजिस्ट्री नहीं है, जीपीए पुरानी, कभी भाई मेरी पुश्तैनी जमीन है और मेरे पास में काफ़ी टाइम से है, तो मेरे दादा परदादा के नाम से है और वो उन्हीं के नाम से चलती हुई आ रही है, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उस समय खसरा नंबर चलते थे गाइस, ठीक है। तो खसरा नंबर के बाद में एमसीडी के नए नंबर अलॉट हो गए हैं, तो आप वो दे सकते हैं, मगर उसके लिए वो एमसीडी की पर्ची लगती है, आपको वो भी देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो एड्रेस हो गया, पर्सनल डिटेल्स आप उसको दे दीजिएगा। इसमें गाइस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में चार चीजों की जरूरत होगी, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो आपको चीज की जरूरत पड़ेगी, फोटो, फोटो की आप एक सॉफ्ट कॉपी .jpeg फॉर्मेट में रखेंगे, जो आपकी, जो आपकी कम से कम 100 KB के अंदर में हो, ठीक है। लगभग साइज इतना ही हो अंदाजन, कि हाँ इससे ज्यादा ऊपर ना हो पाए, ठीक है ना। तो फोटो इजीली अपलोड हो जाते हैं और इजीली वहां पे खुल भी जाती है। कोशिश करिएगा, क्योंकि इनका साइज वो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा आता है सर ऑनलाइन साइन, तो ऑनलाइन साइन आपके ये भी जेपीईजी फॉर्मेट में होंगे, ये भी आपके 100 KB लगभग इस हिसाब से रखिएगा अपने, ठीक है। तीसरा आपका आता आधार कार्ड, आधार कार्ड गाइस पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, .pdf फॉर्मेट में आएगा, और ये 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी 20 MB से, लगभग 20 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए मे बी, ठीक है ना। पीडीएफ फॉर्मेट में गाइस अपना आधार कार्ड रेडी रखिएगा, और रजिस्ट्री, और गाइस रजिस्ट्री भी आपकी .pdf फॉर्मेट में आएगी, 20 MB तक में होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स गाइस, या चार डॉक्यूमेंट है, चार डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, चारों के चारों डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, ठीक है। वो जहां जहां पे ये चारों डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको, वो चारों जगह आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, उसके बाद में आप फिनिश करेंगे, उसके बाद में वो आपको रिक्वेस्ट नंबर दे देगा। इसके अलावा गाइस, इनके अलावा आपको कुछ चीजें और भी वो चीज देते हैं, जैसे 15 मीटर से ऊपर अगर हाइट आपकी ज्यादा हो, रजिस्ट्री है, या टाइटल डीड है, या गिफ्ट दी है, ये भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो उसके लिए अगर आप कहीं पे भी अगर फंस रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको आपको गाइस DACS वालों ने दो नंबर दे रखे हैं, एक 011-399-99-808 और एक है 19-122, ठीक है गाइस। ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन दोनों नंबरों पर गाइस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता करी जाएगी अगर आप कहीं पे बैठ रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो गाइस मेरा नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है और मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिख दिया, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस, मुझे आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है गाइस। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, बाय, थैंक यू गाइस।